मेरा नाम अंशर महमूद है और मेरा तल्लक गुजरात से है और मैं बतौर वकील इधर काम करता हूँ। तो जैसा कि बहुत सारे वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बने, लेकिन इस सिलसिले में बहुत सारे मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। एडमिशन के मसाइल हैं आजकल और अखराजात भी बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे बच्चे या वालिदैन जो चाहने के बावजूद भी एडमिशन उनका नहीं हो पाता, तो इन्हीं में से मैं भी था। मैं भी चाहता था कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने और मैं कोशिश भी कर रहा था, लेकिन एडमिशन के मसाइल जो वो सामने थे। तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे रब्ता किया कि आप काशिफ साहब से रब्ता करें। काशिफ के नाम से ना ये यू पर इनका चैनल है। तो मैंने इनसे रब्ता किया, इन्होंने मेरी भरपूर हेल्प की। तो सबसे खुशी की बात जो थी ना इस सिलसिले में वो ये थी कि इन्होंने जिस तरह बताया, जो बताया वो दुरुस्त था, वो सच था, मैं उससे मुतमिन था। दूसरे साल में मेरी बेटी जो है ना वो उधर पढ़ रही है, तो मैं मुतमिन हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है कि मैंने ये डिसीजन जो लिया था वो बहुत अच्छा था और ठीक था। हॉस्टल के मसाइल नहीं हैं, रिहाइश के मसाइल नहीं हैं, आने जाने की कोई परेशानी नहीं है, सब बहुत ओके है और बहुत ठीक है और मैं पूरा मुतमिन हूँ। काशिफ ने जो बताया था, जिस तरह बताया था, वो भी ठीक है। तो हमारे इधर जो हम मुसलमान हैं, बहुत वालदैन के दिल में यही होता है, एहसास होते हैं अपने बच्चों के मामले में, बच्चों के मामलात में, कि दूसरे मुल्क में पढ़ने के लिए ख़ास तौर पर एक परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो बिल्कुल परेशान ना हो, उधर अखराजात भी कम हैं और ये तो हौसला करें और अपने बच्चों को ज़रूर डॉक्टर बनाएँ। और इस सिलसिले में काशिफ साहब से रहनुमाई लेना चाहें तो वो हर वक्त हाज़िर हैं। बस मुझे आपको इतने ही कहना था, ताकि बहुत सारे वालदैन जिनके अंदर ख्वाहिश है वो ख्वाहिश ही ना रह जाए बल्कि वो उसका अमली अज़ार भी कर सकें, ताकि उनके बच्चे भी डॉक्टर बन सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामु अलैकुम।